हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गुजिया और आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा खास्ता गुजिया बनेगा, वो भी बिना मावे के और बिना सांचे के हम बनाएंगे इसको। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं इसको। चलिए इसकी फिलिंग देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने काजू लिया है थोड़ा सा, थोड़ा सा किशमिश, बादाम और यहाँ पे खजूर लिया है थोड़ा सा सौंफ और 2 इलायची, थोड़ा सा चीनी और यहाँ पे मैंने लिया है सूजी और नारियल का बुरादा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। बस खजूर को हमें रोस्ट नहीं करना है, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को हम घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है, हाई पे नहीं रोस्ट करना है, नहीं तो सारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे और अच्छे से रोस्ट नहीं होंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नारियल का बुरादा को भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। उसी में यहाँ पे थोड़ी सी घी थी, उसी में हमने रोस्ट कर लिया। 1 चम्मच और घी दे देते हैं और हम सूजी को भी रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम फ्लेम लो पे ही रोस्ट करेंगे, हाई पे बिल्कुल नहीं रोस्ट करना है। सभी को रोस्ट कर लिए हैं हमने। अब यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स को कटिंग कर लेते हैं। पहले आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसको हम छोटी वाली उखल में हमने बादाम को कूट लिया है, आप चाहे तो कटिंग भी कर सकते हैं। अब हम खजूर के बीज को निकाल लेते हैं, फिर हम खजूर को भी कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। इससे खजूर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गुजिया का। बिना मावे के भी गुजिया आप बना सकते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। सभी को हम छोटे टुकड़े कर लेते हैं। ये देखिए हमने सभी को छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़े से सौंफ और इलायची को भी छोटी वाली उखल में थोड़ा सा हम इसको कूट लेते हैं, दरदरा सा, ज्यादा महीन नहीं करना है, बस थोड़ा सा। और यहाँ पे हम एक बॉल ले लिए हैं, उसमें हम सूजी डाल देते हैं। सभी को हम इसमें मिक्स कर लेंगे इसकी फिलिंग गुजिया की। और ये हम नारियल का बुरादा भी डाल देते हैं और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें हम डाल देते हैं। इस तरह से आप लोग भी बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। सभी को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पे हमने सौंफ को भी डाल दिया और यहाँ पे चीनी भी डाल दिया, जितना सूजी लिया है उतना ही मैंने चीनी भी लिया था। यहाँ पे सभी को हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसके डो बना लेते हैं पहले मैदा का। यहाँ पे मैदा मैं 2.5 कप यूज कर रही हूँ, आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से बना सकते हैं। 2.5 कप में मैंने 4 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि घी हमारा आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो तैयार करेंगे। डो नहीं ज़्यादा सख्त बनाना है, नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है, सेमी डो बनाना है इसका। और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं और चाकू से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं ताकि लोई बनाने में बहुत ही आसान होता है। सभी को इसी तरह से हम लंबाई में कर लेंगे जिससे हमारी लोई भी बिल्कुल परफेक्ट एक साइज की बनेगी। और एक बार हम इसको चकली पे भी अच्छे से रोल कर लेते हैं और इसको हम चाकू से छोटी लोई काट लेते हैं। आप चाहें तो एक बड़ी रोटी बना के इसको कटोरी से भी कटिंग कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा परफेक्ट साइज बनता है। सभी को हम हथेली के बीच लोई को अच्छे से मसल के रेडी कर लेते हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं पतला बेलना है, नहीं बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। इसे हमें अच्छे से पूरी पूरी की तरह ही, जिस तरह से हम पूरी बनाते हैं उसी साइज के हमें बेल लेना है इसको। इसको बेलने में ना हम तेल का यूज़ करेंगे, ना ही हम मैदा का यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे भी नहीं चिपकते हैं। सभी को हम इसी तरह से बेल के रेडी कर लिए हैं। अब हम एक कटोरी में पानी ले लिए हैं और हम एक पूरी छोटी वाली रख लेते हैं हाथ पे और इसको थोड़ा सा पानी हम चारों तरफ लगा देते हैं और स्टफिंग हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं चम्मच से। और इसको हम एक साइड से उठाते हुए दूसरे साइड से चिपका देते हैं और सभी साइड से अच्छे से उंगलियों से इसको हमें चिपका देना है, क्योंकि हम यहाँ पे पानी लगा रहे हैं तो वैसे भी अच्छे से ये एक बार प्रेस करने से चिपक जाता है। और फिर हम इसको उंगलियों से इसका डिजाइन बना देते हैं जिससे कि बिल्कुल भी हमें तेल में नहीं खुलेंगे। अगर आपके कभी तेल में खुल जाए गुजिया तो आप उसको तुरंत निकाल लें कढ़ाई से, नहीं तो पूरा तेल बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा भी आपको रेडी करके दिखाते हैं। ये देखिए इसी तरह से बहुत आसान है इसको बनाना, बिना सांचे के भी कोई भी बना सकते हैं, जो आप लर्नर हैं वो भी बना सकते हैं। बस इसे हमें थोड़ा सा टर्न करना है इसको दाबते हुए और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और इस तरह से बनाने से ना बिल्कुल भी नहीं खुलती है गुजिया तेल में। अब मैं आपको दूसरी तरह से भी दिखा देती हूँ, मैं एक और तरह से बना रही हूँ। और इसको हमें सिर्फ प्रेस कर लेना है, उसके बाद हमें
थोड़े से उंगलियों से इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा डिजाइन बना देना है, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इसी तरह से हम सभी को रेडी कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसको हमें कवर करके रखना है ताकि ये सूखे नहीं। ये देखिए हमने बना लिया सभी को। अब हम चलते हैं फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। अब हम सभी को बारी बारी डालेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हो, नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा हो, मीडियम ऑयल गर्म हो, बस इतना ही हमें चाहिए। अभी हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ये बिल्कुल अपने आप ये ऊपर आ गए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से। और इसको हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है, हाई फ्लेम पे बनाइएगा तो ये क्या होगा ना, अच्छे से बनेंगे भी नहीं और जल जाएंगे और इसमें ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं, फिर बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनते हैं। इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पे ही बनाना है और दोनों साइड से इसे हल्का सा ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, क्योंकि जब ठंडा होगा निकालने के बाद ये खुद भी इसका कलर डार्क हो जाएगा, इसलिए हमें लाइट कलर में ही इसे थोड़ा सा निकालना है। इसी तरह ये देखिए, इसी तरह से हम सभी को निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने बना के रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्लेटिंग कर लेते हैं अच्छे से। आपको अपने मन से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। होली में ये गुजिया बहुत ही अच्छा लगता है, सभी के घरों में बनता है, अलग अलग तरह से बनता है, लेकिन इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। इस होली आप लोग बनाइएगा और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।